मध्य प्रदेश के कटनी जिले के शहर के एक निजी अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसको लेकर नाराज परिजन शव को लेकर नई बस्ती मंगतुराम अस्पताल पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी और बल ने लोगों को समझाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग माने और शव लेकर रवाना हुए। इस बीच एक बार फिर से परिजनों के हंगामे को देखकर चिकित्सक और स्टाफ मौके से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि चंदिया उमरिया निवासी प्रदीप विश्वकर्मा की पत्नी लक्ष्मी विश्वकर्मा को 5 माह का गर्भ था। खून बहने के कारण शनिवार की रात को महिला को उमरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत में सुधार न होने पर उसे अस्पताल कटनी रेफर कर दिया गया। परिवार के सदस्य महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह उसे क्लिनिक निजी लेकर पहुंचे और उसे भर्ती कराया, लेकिन बाद में फिर महिला की हालत गंभीर बताते उसे रेफर किया। पति प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि जब वह दूसरे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो बताया गया कि महिला की मौत काफी देर पहले ही हो चुकी है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। डेड बॉडी यहाँ पे हम रख के चक्का जाम किए, डॉक्टर साहब अंदर है और उन्होंने अंदर बच्ची को बुलाए, बोले उसकी बहन को अंदर लेके आओ। जब उसकी बहन अंदर गई तो उसके साथ डॉक्टर साहब वार्तालाप, गंदी गंदी गाली दी है, वार्तालाप किए और इसके बाद मारपीट। यहाँ जो डॉक्टर है जो वेंटिलेटर ऑपरेट करता है वो छुट्टी पे है, हम नहीं लेंगे। ठीक, अब एक जगह से जवाब मिल गया, फिर हमने लगाया, फिर उसने लगाया एमजीएम अस्पताल वालों ने भी बोला कि नहीं, अब हमारे आ संडे हमारे पास में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अब बाकी बचा तीसरा अस्पताल था धर्मलोक अस्पताल, वहाँ हमने भेजा। हमने किसी के कमीशन कमाने के लिए या अपने हित के लिए, या आप पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी, उनके साथ दो स्टाफ थे, पेशेंट के मुंह में सांस की नली डाली गई थी, जिससे वो बैग, जिसको हम लोग अम्बू बोलते हैं, उससे वो बैग से रेस्पिरेशन दे रही थी, मतलब सांस दे रही थी। जब पेशेंट यहाँ पे आई थी तो उसकी नब्ज देखी, नब्ज में मतलब नब्ज नहीं चल रही थी, बीपी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरे डायलेटेड थे। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी पेशेंट को मृत घोषित कर देते हैं। इनका पीएम कराया गया शासकीय अस्पताल से, पीएम के उपरांत उनको डेड बॉडी सौंप दी गई, सारी कार्रवाई हो चुकी थी, किंतु परिजनों को कुछ आक्रोश था, तो शासकीय यहाँ मंगतराम हॉस्पिटल में आ गए थे और उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनको समझाइश दी गई कि पीएम रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।